भारत में कई सन्यासी स्त्री को पाप तथा नर्क का द्वार मानने की कुमारने की रही हो गई। वे यह तो भूल बैठे हैं कि उसी स्त्री के कारण से अस्तित्व में आए हैं और भारत में गुरुकुलों की कमी किसी युग में कोई कमी नहीं रही। कुछ ज्ञानियों की गुरुकुल थे तो बाकी अज्ञानियों थे। हालांकि इस समय आपको एक ज्ञानी की गुरुकुल का दृष्टान्त बता रही हूँ। उस ज्ञानी गुरु की शिक्षा देने का अपना ही एक तरीका था। वह शिष्यों का इन्वॉल्वमेंट कम करने हेतु हर महीने उन्हें किसी एक वस्तु से इन्वॉल्व न होने की आज्ञा देता था। उस माह उसने अपने शिष्यों को स्त्रियों में इन्वॉल्व न होने की आज्ञा दी हुई थी। इन गुरुकुलों की एक और विशेषता थी, प्राय शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। खैर थोड़ा यह है कि अभी इस आज्ञा को खुश के दिन हुए थे कि एक दिन अनायास ही चार छह शिष्य टहलते टहलते एक नदी किनारे से गुजर रहे थे। उन दिनों वर्षा का मौसम था और नदी बड़ी तेज बह रही थी। अब कुदरत की करनी ऐसी कि उसी दरमियान एक महिला किनारे पर फंसी पड़ी। उसका घर दूसरे किनारे था, लेकिन पानी का तेज बहाव देखते हुए वह नदी पार करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उसी समय ये शिष्य भी वहां जा पहुंचे। उन्हें देखते ही उस महिला ने उनसे नदी पार करवाने की दरख्वास्त की। यह सुनते ही एक शिष्य कलकर बोला, यह नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा है कि इस माह हमें स्त्रियों में इन्वॉल्व नहीं होना है। उधर सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, एक को छोड़कर। यही नहीं, उसने तो तक्षण उस स्त्री को नदी पार करवाकर लौटता ही आया। उसकी ऐसी हरकत और हरकत के कारण हुई गुरु की अवज्ञा पर सबने उसको खूब कोसा। बेचारा लौटते वक्त पूरे रास्ते सबके ताने सुनता रहा। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। आश्रम पहुंचते ही सभी ने गुरु को आज उसकी हरकत के बाबत बताया, लेकिन बताते ही कमल फट गया। सबने सोचा था कि गुरु उस शिष्य को डांटेंगे, परंतु उल्टा गुरु ने उसके द्वारा किए गए दुस्साहस की प्रशंसा की। साथ ही उसे गले लगाते हुए कहा, चलो एक था तो इन्वॉल्वमेंट खत्म हुआ। यह सुनते ही बाकी शिष्य पूरी तरह चौंक गए। यह उल्टी गंगा कैसे बहनी थी। इधर सबको अचंभित देख गुरु ने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, दरअसल यह उस स्त्री को नदी पार करवा पाया क्योंकि वह वाकई उस समय स्त्रियों के इन्वॉल्वमेंट से ऊपर उठ चुका था। यदि वाकई स्त्री व्यक्ति भर उसे प्रभावित कर रही होती तो वह भी तुम लोगों की तरह है उसने इनकार कर लौट आया होगा। और दूसरी बात मैं साफ देख रहा हूँ कि वह तो स्त्री को नदी पार कराकर छोड़ भी आया, परंतु तुम लोग तो अभी उस स्त्री को कंधे पर उठाए हुए हो। इन्वॉल्वमेंट वस्तु या व्यक्ति की तरफ भागना ही नहीं, वस्तु या व्यक्ति से भागना भी इन्वॉल्वमेंट ही है। और सच कहूँ तो यह ज्यादा गहरा इन्वॉल्वमेंट है। आप ही गौर कर लेना, आप चिंता अपनों में करें, दोनों ही करते हैं, पर इतना है कि अपनों के आगे